मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, आप अपने आधार कार्ड को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है जिस डॉक्यूमेंट में आपको अपडेट करना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विदाउट डॉक्यूमेंट भी अपडेट किया जाता है, लेकिन उसमें प्रोसेस उसका अलग होता है। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आधार को संशोधन करने के लिए myaadhar.uidai.gov.in पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एंटर आधार नंबर और यहाँ पे आपको ओटीपी डालनी होगी। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद लॉग इन विथ ओटीपी, अब यहाँ पे आपके पास जो भी ओटीपी आई होगी उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो अभी फिलहाल मेरे मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आई हुई है, लेकिन इसके लिए एक मिनट का टाइम होता है। अगर इन एक मिनट में अगर आपके पास ओटीपी आती है तो वो वैलिडेट कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं हुई है। देखिए, अब ओटीपी आ चुकी है। तो चलिए मैं ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने ओटीपी जो 6 डिजिट का होता है उसको आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर तक वेट करेंगे, फिर एक अलग तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, ऑफलाइन केवाईसी कर सकते हैं, कितनी बार आपने अपडेट किया है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब यहाँ पे एड्रेस अपडेट पे क्लिक करने के बाद ये जो पीछे का आपका एड्रेस है वो खुलेगा। अब यहाँ पे आपको नया एड्रेस फिल करना है। नया एड्रेस को केयरफुली फिल करना होता है। अब यहाँ पे सभी चीजों को आप एक एक करके फिल करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पिन वगैरह डालनी होती है। तो चलिए सबसे पहले केयर आप लिख लेते हैं, और जो नाम है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया होगा उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको नाम को फिल करना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि जैसे ही आप नाम को फिल करेंगे यहाँ पे CO दिख रहा है। यहाँ पे आप द्वारा भी लिख सकते हैं और संबोधित भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे CO को करेक्शन कर लेता हूँ। करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा और ये आपको हिंदी में लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संबोधित कुछ इस तरीके से आ गया, इसको हम काट लेते हैं, फिर से दोबारा से लिखेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई या फिर आपका हिंदी में लिखना गलत हुआ तो ये थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ये सभी चीजें आपको दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं डालना है। आपको लैंडमार्क पे आ जाना है। लैंडमार्क पे आपको विलेज एंड पोस्ट लिखना होगा। विलेज एंड पोस्ट आप इंग्लिश में लिखेंगे जो कि नीचे आपके हिंदी में आ जाएगा। उसमें से आपको विल हटाना होगा जहां पे आपको ग्राम लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम इसको भी भर लेते हैं। विलेज जो भी है उसको आपको यहाँ पे फिल करेंगे, फिर यहाँ पे पोस्ट को आपको देखना होगा। पोस्ट को आप जब लिखेंगे तो जो भी इंग्लिश में लिखेंगे वो क्या हिंदी में सही आ रहा है, अगर सही नहीं है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो उन सबको एडिट वगैरह करके एकदम बिल्कुल आपको सही कर लेना है। अगर सही नहीं होता है तो ये समझिए कि आपके अपडेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है या फिर थोड़ा सा लेट हो सकता है। चलिए यहाँ पे आपने OTP डालनी है, कुछ सर्वर इशू है इस वजह से यहाँ पे ग्राम सही नहीं लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे विल को हटाकर ग्राम लगाएंगे। अब यहाँ पे सही से हम इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। आप जब पिन डाल देंगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो आपका गांव है वो यहाँ पे शो करने लगेगा, और यहाँ पे उस गांव का जो नाम है उसको आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने दस्तावेज लगाए हैं यहाँ से आपको उस दस्तावेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ अच्छे तरीके से कर लिया है। अब यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। यहाँ पे देखिए नया एड्रेस जो अपडेट होके आएगा
वो यही होगा। तो यहाँ से ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हमने इग्नोर कर दिया, सॉरी यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये जो ये आइडेंटिटी खुल रही है, अंडरस्टैंड डिक्लेरेशन, ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेमेंट गेटवे दिखाएगा कि आप किस गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ दो तरीके के पेमेंट गेटवे दिखेंगे। यहाँ पे रेजर पे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर पे यू बिज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा लेट होता है पेमेंट में, इसमें हर ऑप्शंस नहीं आते, लेकिन रेजर पे में आपके यूपीआई ऑप्शंस भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ से हम रेजर पे पे क्लिक करते हैं। रेजर पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें एक पॉपअप में बारकोड दिखेगा, जिस बारकोड पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है सबमिट पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बारकोड को डालेंगे, सॉरी बारकोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ से हम स्कैन करने के बाद मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। तो चलिए मैं अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुली ले चुका है। अब यहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही स्कैन किया, अब मैं यूपीआई डाल रहा हूँ। तो यूपीआई डालने के बाद जैसे ही ये प्रोसेस करेगा और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पे ये सभी तरीके हैं जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी जिसको आपको डाउनलोड करके रखना होगा या फिर कस्टमर को दे देना होगा। और यहाँ से आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिनों तक वेट करने के बाद ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी होकर आ जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।